What's up guys, welcome back to White Collar Business. आज फिर से मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक नई प्रॉपर्टी, एक फिर से बजट प्रॉपर्टी. हमेशा की तरह आपके लिए आपके बजट में एक नई जगह पर फिलहाल मैं मौजूद हूँ. यहाँ पे मैं आपको ये बिल्डिंग दिखाऊंगा. इसके अंदर कई सारी अमेनिटीज आपको देखने को मिलेंगी, 1 RK 1 BHK. यही नहीं, इसके साथ साथ आपको कमर्शियल शॉप्स भी मैं आपको दिखाऊंगा. उसके बाद कई सारी इन्फॉर्मेशन, एरिया कितना है, लोकेशन कैसा है, आसपास में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, स्टेशन से कितना दूर है, प्राइसिंग आपके बजट में कैसे आती है, कितने रुपए तक आपको पड़ जाएगा, सारी डिटेल्स मेरे साथ आगे आपको दिखाता हूँ. चलिए तो सबसे पहले रूम टूर करना शुरू करते हैं. मेरे पीछे आप देखेंगे ये एक 1 RK अपार्टमेंट है, 1 room kitchen. एंट्रेंस सबसे पहले करेंगे अंदर और आप हॉल का साइज देखिए, उसके बाद आप ऊपर देखिए जो फॉल्स सीलिंग का काम किया गया है. फॉल्स सीलिंग के अंदर जो कलर बढ़िया किया गया है, जिस तरीके का काम यहाँ पे आपको करके मिलता है. इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, हॉल का साइज भी आप देखते रहिए. आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी फुल साइज गैलरी देखने को मिलती है. बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की यहाँ पे रेलिंग लगा के आपको दी जाएगी. इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ इस अपार्टमेंट के किचन के अंदर. किचन के पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बाथरूम और वॉशरूम. बाथरूम वॉशरूम में प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर बाथरूम और वॉशरूम दोनों भी सेपरेट है. 1 RK अपार्टमेंट्स में ज़्यादातर दोनों चीज़ें एक ही में दे दी जाती हैं आपको, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बाथरूम है, सेपरेट बाथरूम आपको देखने को मिलेगा, उसका भी आप साइज देख लीजिए. और यहाँ पे वॉशरूम आप देखेंगे तो ये भी सेपरेट और पूरी टाइलिंग के साथ आपको ये करा के दिया जाएगा. इसके बाद भी ऊपर आप देखेंगे तो काफी एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए देखने को मिल जाता है. उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने मेन इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो कि है अपना किचन. किचन का आप एक बार साइज देख लीजिए ऊपर से. यहाँ पे आप देखेंगे पूरी फ्लोरिंग आपको करके दी जाती है. उसके बाद मैं आपको बता दूं पूरा टाइलिंग आपको यहाँ पे करके दिया जाएगा. यहाँ से आप एक प्लेजेंट व्यू देख सकते हैं. तो ये है पूरा का पूरा एक 1 RK अपार्टमेंट. यहाँ पे जो 1 RK अपार्टमेंट है उसका जो स्टार्टिंग एरिया है वो आपको 355 square feet का देखने का मिलेगा. लेकिन जो प्राइस है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, उसके लिए आप वीडियो पूरी देखिए. लास्ट में प्राइस भी डिस्कस करेंगे, अमेनिटीज भी डिस्कस करेंगे. चलिए 1 RK आपने देख लिया, अब मैं आपको दिखाता हूं अपने साथ 1 BHK अपार्टमेंट. 1 BHK अपार्टमेंट का ये आपको सामने हॉल नजर आ रहा है. इसका हॉल जो है वो और ज्यादा बड़ा है. ऊपर इसके भी फॉल सीलिंग का काम किया गया है, खूबसूरत क्वालिटी का. उसके साथ आप सामने देखेंगे तो डायरेक्टली आपको गैलरी देखने को मिल जाती है, वही सेम जबरदस्त क्वालिटी की रेलिंग. और ऊपर जो आप देखेंगे ये जो वुडन का काम किया गया है, ये मैं पहली बार किसी भी बिल्डिंग में किसी भी बिल्डर ने करके दिया हो ऐसा काम गैलरी के ऊपर, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ. इसके बाद मैं आपको बेडरूम का जो गैलरी है वो इतना मैसिव साइज का है वो भी दिखाना चाहूंगा. लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए इसके अंदर भी आपको बाथरूम वॉशरूम सेपरेट देखने को मिलता है. ये आपका वॉशरूम है और फिलहाल ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो जो गंदगी है उसको प्लीज डोंट माइंड कीजिएगा. उसके आगे आप बढ़ेंगे तो इस साइड में आपको देखने को मिलेगा आपका बाथरूम पूरा टाइलिंग करके और सारी मॉडर्न फिटिंग्स के साथ. इसके बाद आप देखेंगे सबसे आगे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपका किचन. और किचन का आप साइज देखिए, मैसिव साइज का आपका किचन है. ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे पूरा टाइलिंग का काम आपको यहाँ पर भी करके दिया जाएगा, पूरा प्लेटफॉर्म लगा के दिया जाएगा. और बाथरूम जो मैं आपको बता रहा हूँ उस एरिया में भी आप देखेंगे ऊपर आपको एम्पल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा स्टोरेज भी देखने को मिलता है. इसके बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस अपार्टमेंट के बेडरूम में, जो कि जान होती है यार अपार्टमेंट की. यहाँ पे आप देखेंगे बेडरूम का साइज देखिए, बेडरूम के अंदर भी फॉल सीलिंग का काम आपको करके दिया जाएगा, खूबसूरत क्वालिटी का. और इसका जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है वो है इसकी गैलरी. गैलरी का आप साइज चेक कीजिए, जबरदस्त है. मतलब आप देखेंगे इसकी लंबाई भी काफी ज्यादा बढ़िया है. ऊपर भी इसके वुडन का आपको पूरा काम करके दिया जाता है और ये वही स्टर्डी यहाँ पे जो आपको रेलिंग है वो भी लगा के देखने को मिलेगी. यहाँ पे जो 1 BHK है उसकी जो स्टार्टिंग एरिया है वो आपको देखने को मिलेगा 470 square feet. 1 RK 1 BHK दोनों चीजें मैंने आपको दिखा दी. अब फाइनली मैं आपसे बात करता हूँ प्राइसिंग की, अमेनिटीज की, स्टेशन के आसपास क्या क्या है वो सब आपको इन डिटेल बताता हूँ. एक चीज और मैं आपको इस बिल्डिंग के बारे में बता देना चाहता हूँ, इसका जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो टॉप नॉच आपको देखने को मिलेगा. ये जो आप पैसेज देख रहे हैं आपको पूरा पैसेज यहाँ पे दिखाई देगा. इसके बाद ये ग्राउंड प्लस 7 का प्रोजेक्ट है. इसके अंदर आपको हाई स्पीड लिफ्ट जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है वो भी देखने को मिलता है.
अब फाइनली मैं आपको बिल्डिंग के नीचे लेके आ गया हूँ। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरा ओपन कार पार्किंग एरिया, बाइक पार्किंग एरिया है। ये पूरा का पूरा कॉमन पार्किंग एरिया आपको देखने को मिलेगा बिल्डिंग के अंदर ही। और आप मेरे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भी जो काम किया गया है वो एकदम जबरदस्त क्वालिटी का है। यहाँ पे आप देखेंगे टाइल्स लगाई गई है, ऊपर टाइल्स लगाई गई है, लाइटिंग्स और वुडन का जो काम है ये बिल्डिंग के लुक को बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा एनहांस कर देता है। चलिए तो अब मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, बिल्डिंग के अंदर सिनेमैटिक्स पूरे दिखा दिए, वन रूम किचन का टूर करा दिया, वन बीएचके का भी टूर करा दिया, एरिया के बारे में भी आपको जानकारी दे दी। लेकिन अब फाइनली आपसे बात करते हैं कि इसकी अमेनिटीज क्या है, आसपास क्या क्या आपको देखने को मिलता है, पानी की कैसी सुविधा है, उसके बाद आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसा है। इलेक्ट्रिसिटी आप देखेंगे तो 24/7 आपको इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलता है। पानी की सप्लाई दोनों है, बोरिंग का भी पानी आपको देखने को मिलेगा और पीने का भी पानी दिन में दो बार यहां पे आता है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और जो वाटर सप्लाई की सुविधा है वो टॉप नॉच है, उसके अंदर आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पास ही में आप देखेंगे आपको शॉपिंग सेंटर्स देखने को मिल जाएगा, मेरे को लगता है 5 मिनट का डिस्टेंस होगा यहां से स्टेशन का। स्टेशन बहुत ही ज्यादा नजदीक है, पुलिस स्टेशन आपको बगल में देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद कई सारे हॉस्पिटल्स भी यहां पे मौजूद हैं, बगल में ही स्कूल, प्लेग्राउंड सब कुछ है, गार्डन तक आप देखेंगे तो इसी कंस्ट्रक्शन के नजदीक में है। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल भी इस कंस्ट्रक्शन के नजदीक में देखने को मिलेगा, चाहे वो स्कूल हो, शॉपिंग सेंटर हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेजेस हो, पुलिस स्टेशन हो या रेलवे स्टेशन हो, सारी चीजें इसके बिल्कुल भी नजदीक में। इसके बाद अब फाइनली जो मेन मुद्दा है, ये वीडियो अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो इसके प्राइस के बारे में आपको जानना होगा। प्राइस के बारे में मैं आपको चीजें बता देता हूं। जो स्टार्टिंग प्राइस है आप देखेंगे वन रूम किचन का, तो जो एरिया है वो शुरू होता है 355 स्क्वायर फीट से, जो कि आपको ऑल इंक्लूसिव, चाहे वो GST हो, स्टैम्प ड्यूटी हो, रजिस्ट्रेशन हो, सोसाइटी फीस हो, जो भी सारी चीजें होंगी वो सब कुछ आपको इंक्लूड करके 1 आर के 24 लाख में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, डोंबिवली के इतने नज़दीक में, इतने खूबसूरत, इतनी अच्छी कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग में इस प्राइसिंग के अंदर आपको 1 आर के देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं फाइनली 1 BHK अपार्टमेंट के बारे में। तो जो 1 BHK अपार्टमेंट है उसका जो स्टार्टिंग एरिया है वो यहाँ पर 470 स्क्वायर फीट से है, 470 स्क्वायर फीट, जिसका प्राइस ऑल इंक्लूसिव GST, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, जो भी सारी चीज़ें होंगी सबको, सब कुछ इंक्लूड करके पूरा पैकेज आपको 34 लाख रुपीज में पड़ जाएगा, जिसके अंदर आपको लोन की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी लोन आप कराना चाहें पूरे तरीके से लोन का असिस्टेंस आपको दिया जाएगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी तरफ से आपको लोन करके दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें इस कंस्ट्रक्शन के अंदर मौजूद है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। लगातार आपको बिल्डर्स के नंबर नज़र आ रहे होंगे, उन पे कॉल कीजिए, विजिट कीजिए, बुकिंग्स कीजिए। और इसके पहले आपने जितनी भी बुकिंग्स हमारे साथ करी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनली अगर आपको नहीं, आपके किसी फ्रेंड को, फैमिली को इस अपार्टमेंट की ज़रूरत है, इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक आपसे अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद।